तुम कहाँ किस लिए रहे हो? नहीं आप कैसे बिहेव कर रहे हो? गेट आउट वाली क्या बात है? ड्राइव करो इनका, उनको धमका रहे हैं ये पेरेंट्स को अंदर किस तरीके से नॉक करना। ढाई महीने तक बांध के रखा गया था। कहाँ पर कंप्लेंट दिया आपने? यहाँ ये कच्चे फाटक नहीं है। हाँ यही दिए थे तो पानीपत में। तो मतलब आप चाहते हो कि आपकी गुड़िया को इंसाफ मिले और उन्हें पकड़ा जाए जिन्होंने किया है। आपके हस्बैंड को अब अंदर डॉक्टर्स ने बिठा लिया है, आप चाहते हो कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, मीडिया के सामने ये बात आए? क्यों नहीं आए? तो अपने हस्बैंड को फिर बाहर लेकर आए और अंदर जाकर, बाहर आपके हस्बैंड भी बयान देने के लिए तैयार थे लेकिन डॉक्टरों के दबाव की वजह से वो मना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी गुड़िया के लिए स्टैंड लोगे, खड़े होगे अपनी गुड़िया को इंसाफ दिलवाने के लिए? सारी सामाजिक संस्थाएं इस समय आपके साथ खड़ी है, करनाल की मीडिया आपके साथ खड़ी है। मैं बात बताना चाहता हूं, कोई खड़ा हो या ना हो इसके साथ, लेकिन हम खड़े हो। ये देश के अंदर क्या स्ट्रेटजी चल रही है, कहीं ना कहीं ग्रंथ बेटियां गऊ ये भारत माता सेफ नहीं है तो इन गरीबों के बच्चे कहां से सेफ होंगे? पहले मुझे इस बात का जवाब दे सरकार। ये 7 साल से जो सरकार बनी है, आप 7 सालों से देख रहे हैं कि योगी की सरकार में एक बच्ची को जो कि आधी रात को जलाया जाता है उसका कोई इंसाफ नहीं मिला। 12 साल 2016 में जो दिल्ली में हुआ था उसका जो हुआ है, बड़ी मुश्किल से कैदियों को फांसी हुई है। उसके बाद जो भी जितने भी रेपिस्ट हुए हैं, इतने रेपिस्ट को तो जेल कर देते हैं तो उसके प्रधानमंत्री के पास। अभी अभी क्या कुछ आप करेंगे, क्योंकि गुड़िया के जो पिता थे जिस लड़की के साथ ही गलत काम हुआ वो पहले बाहर मीडिया में बयान देने के लिए तैयार थे लेकिन अब डॉक्टर्स उन्हें अंदर ले गए। मैडम, अगर डॉक्टर पाए जाते हैं, अगर गलत डॉक्टर पाए जाते हैं, डॉक्टरों के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और अब हम कल्पना चावला के आगे बिल्कुल जाम लगाएंगे और यहाँ पे कल्पना चावला के नाम से जो हॉस्पिटल बनाया गया, कल्पना चावला को बदनाम नहीं होने देंगे। या तो इसका नाम हटाओ नहीं तो इन डॉक्टरों के ऊपर। मैम, डॉक्टर्स खुद इतनी बदतमीजी कर रहे हैं जहाँ साथ देना चाहिए, आपको नहीं लगता कि कंप्लेंट तो आपको फाइल करनी चाहिए थी और 112 को बुला रहे हैं ये लोग? बस एक्चुअली उल्टा ही काम है ना यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जिस हिसाब से उसकी लड़की की हेल्प करने आए, मदर हैं ये, बाहर से रो रो के इनका बुरा हाल है, अंदर इनके पापा को बंधक बनाया गया है और बार बार प्रताड़नाएं जो है वो लोग इनको, इनका अंदर स्टाफ दे रहा है। देखा आपने, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। मैं कहना चाहती हूँ उस बिटिया की सुनो आप, इस प्रशासन इन लोगों की मत सुनो, क्योंकि वो बिटिया बहुत परेशान है, अंदर रो रो के उसका बुरा हाल है, आज उसकी कंडीशन खराब है, उसके पापा को इन्होंने अंदर बैठाया हुआ है। हालांकि देखिए, जो 112 टीम से आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट ने सारी बात को समझा और पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो मतलब हमारी बात को समझा, उनको हमने प्रूफ भी दिए कि देखिए किस तरीके से जो है ये हालात देश के हो गए हैं। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कहाँ पर मतलब न्याय है? वो गुड़िया अंदर तड़प रही है, उसके पापा को बंधक बना, प्रशासन भी इतना अलर्ट नहीं है। अलर्ट जब होता है जब के सारा केस हो जाता है, बहुत बड़ा केस बन जाता है, जब तक मतलब ये मतलब हाईलाइट जब तक नहीं होगा जब तक आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास अगर वो आए हैं, हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की है तो देखिए आज हालात क्या बन चुके हैं। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा प्रोफाइल मामला है, ये हाई प्रोफाइल मामला है क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसको अंदर बंद कर लिया, उसकी माँ जो बेटी की माँ है वो बाहर भी लग रही है खड़े हुए, वो कह रही है कि न्याय मिलना चाहिए, अंदर वो बंद करके कह रहे हैं कि जो उसके फादर है वो बाहर नहीं आना चाहते। शायद हो सकता है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ उसके अंदर साथ मार पिटाई भी हो सकती है। क्योंकि तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के, कल्पना चावला हॉस्पिटल से, जहाँ एक बच्ची जो है उसको लाया जाता है और उसका जब मेडिकल करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ गलत काम किया गया है। 2 महीने तक उस बच्ची को, 16 साल की महज वो गुड़िया है, उसको बांध कर रखा जाता है और उसके बाद जब कंप्लेंट दी जाती है, गुड़िया जो है वो पहचान लेती है कि इस व्यक्ति ने जो है मेरे साथ ये दुष्कर्म किया था, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों वो अभी तक जिन्होंने ये गलत काम किया वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। आप देख सकते हैं अनुराधा भार्गव जो कि एडवोकेट है और साथ ही साथ गुरतेग बहादुर ब्रिगेड से जुड़ी हुई है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उनके साथ भी डॉक्टर्स द्वारा जो है यहाँ पर बदतमीजी की गई। डॉक्टर संतप्रीत बताया जा रहा है नाम उनका, उनकी वीडियो भी जो है इनके पास है, वो भी हम वीडियो के एंड में जरूर लगाएंगे। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दे। गुरकिरत है नीट ब्लेसिंग नॉट मनी से, जी सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सारी बात ये है, पहले तो एक लड़की के साथ रेप हुआ, सबसे बुरी बात है। दूसरी बात कि वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ का प्रशासन है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, अगर कार्रवाई की दोषियों को अरेस्ट करना चाहिए। उसके बाद गुड़िया जब यहाँ कल्पना चावला में आती है, अगर उसके फादर ने हमसे हेल्प मांग ली तो कोई बुरी बात नहीं है।
आज नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी और गुरतेग बहादुर ब्रिगेड साथ खड़ा है, उस माँ के साथ खड़ा है जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, उस बाप के साथ खड़ा है जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। और शर्मनाक बात यहाँ आती है कि वो डॉक्टर्स, वो सीनियर्स, मैं सीनियर्स का नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो बात आ जाती है डेफामेशन की, वो सीनियर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम पे अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। और डॉक्टर सनप्रीत से पूछना चाहूँगा कि आप भी एक फीमेल हैं, अगर फीमेल के साथ आज के टाइम में ऐसा हो रहा है तो फिर हम कैंडल मार्च क्यों निकालते हैं जब रेप हो ही जाता है, जब लड़की ख़त्म ही हो जाती है। और मैं एक और बात उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो चौंकों पर आके खड़े होते हैं, जो इतना धरना देते हैं कि आज गुड़िया के साथ ये हुआ, इतने बड़े बड़े बोर्ड उठाते हैं, आज जीती जागती गुड़िया जिसके साथ रेप हुआ और वो अपने बयान देना चाहती है उसको आज बांध के डॉक्टर्स ने भी रखा हुआ वहाँ पे, आज हमारे साथ आके कौन खड़ा होता है ये देखते हैं। सारा मीडिया लाइव है, सारे मीडिया को ये चीज़ दिखानी चाहिए और देखनी चाहिए कि वो गुड़िया को यहाँ पे क्यों बांध के रखा हुआ। और दूसरी बात, उनको चाहिए कि हमारे साथ आके खड़े हुए जो रोज़ बैनर लेके खड़े होते हैं, जो उनकी माँ हैं, एक बार साइड होना सर, वो इस समय हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है आपका? हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो जब आपकी गुड़िया के साथ ये हुआ, ये सब हुआ, कहाँ पर थी वो, कहाँ के रहने? ये मतलब हमें नहीं पता है कहाँ पर थी उसको। अच्छा। मतलब लड़की को, जो लड़की बता रही है, नशे में रखा मेरे को 24 घंटा। अच्छा हाँ। कितने, कब से आप इसे ढूंढ रहे थे, कब से लापता थी? लापता गुड़िया मेरी 2-2.5 महीने से नहीं मिल रही है। अच्छा हाँ। तो पुलिस में जब ये लापता थी आपने कंप्लेन करवाई? तुरंत ही करवाई थी मैंने। पुलिस वालों का क्या कहना था? पुलिस वाले कह रहे थे कि ये तो बच्चे आजकल के हैं, भाग जाते हैं, वो बस ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा भाग जाते हैं? हाँ भाग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 112 की टीम को यहाँ पर बुलाया गया था, जो फिलहाल बाहर आ चुके हैं बात कर कर, इनसे भी देखते हैं सर क्या क्या कुछ बात हुई है अभी, क्योंकि गुड़िया की जो मदर है वो इस समय हमारे साथ बैठी है, बयान दे रही है कि गुड़िया को हम यहाँ पर मीडिया में लाना चाहते हैं, बताएं। अब थाने से आ रहे हैं मुलाजिम, वो बताएंगे जो भी बात है। ठीक है ठीक है। तो अभी फिलहाल 112 की टीम को बुलाया गया था, जो अंदर तो गई थी ये कहकर कि हाँ ठीक है डॉक्टर से बात करते हैं, गुड़िया के जो फादर है उनसे बात करते हैं, लेकिन बाहर आई तो बोलने लगे कि अभी थाने से टीम आ रही है। मैम 112 का रवैया कैसा लगा? अभी तो बड़ा वो करके गए थे कि अंदर जा रहे हैं, कोई बात नहीं बात करते हैं। देखिए अभी तो आए थे वो, उन्होंने बोला कि हम अंदर जाके बात कर रहे हैं, बट जब मामला ही हाई प्रोफाइल लोगों ने बना दिया तो नेचुरली सी बात है मुलाजिम क्या करेंगे उसमें, उनकी जो ड्यूटी है उन्होंने की, उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसी मिसबिहेव नहीं किया प्रशासन ने, लेकिन अंदर डॉक्टर्स का मिसबिहेव बहुत गंदा था। और अभी वो भी बेचारे, अब उनके भी हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज इन्होंने हाई प्रोफाइल मामला बनाकर इसको खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं उनकी मदर बयान दे रही है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अगर उनकी माँ बयान दे रही है इस चीज़ का, अंदर उनके पापा को जो है वो बंदी बना के इन लोगों ने बैठा लिया है, ICU का दरवाज़ा बंद है जो कि नहीं होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ICU सबके लिए खुला, अंदर और भी पेशेंट है, उनके माँ बाप भी मिलने आएंगे। बट अभी आप देख ही रहे हैं कि कितने बुरे हालात हमारे करनाल में बन चुके हैं। आज कल्पना चावला जो एक बेटी के नाम पे है, उसका नाम तो हम खैर नहीं बदनाम होने देंगे, उस बेटी को हम जरूर न्याय दिलाएंगे। उनकी मम्मी बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उनके पापा को बंदी बनाया गया, बहुत शर्मनाक बात है। अगर ये नहीं इलाज करवाना चाहते तो छोड़ दें इनको, ऐसा क्या इनको इस केस में दिख रहा है कि इनको कुछ मिल जाएगा? बैठाया गया है ना कि लोगों के साथ धक्का मुक्की करने के, हमने नॉर्मल उनको बोला ठीक है आप इसको इजाज़त नहीं दे सकते, आप एक काम कीजिए कि आप इसको जो है मतलब बाहर आप इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेंगे बिकॉज हमारी सारी संस्थाएं हैं, हम अपने यहाँ पे उसका जो है इलाज कराएंगे प्रॉपर। अब पता नहीं यहाँ पे किस तरीके से इलाज, लड़की बहुत रो रही थी, और आप, मैं आपको रिकॉर्डिंग अगर सुनाऊँ तो आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति इस टाइम अंदर लड़की की है। उसने हमें सारी कंडीशन बताई और फिर भी हमने कल SHO को मिलना है, SHO पानीपत को जाके कि इसके अंदर क्या कार्रवाई हो रही है। इस बात को कितना टाइम हो गया, इस केस को? इस केस को ये जो FIR हुई थी गुमशुदगी की, वो 30 तारीख को हुई थी अंडर सेक्शन 365। उसके बाद जब वो लड़की 30 तारीख को 30 अप्रैल जी तीस हाँ, तो उसके बाद जब वो लड़की बरामद नहीं हुई, पुलिस छानबीन जो है वो नहीं कर पाई, उसके बाद 2 महीने बाद वो लड़की जो थी वो किसी तरीके से वो गेट खुला पा के वो भाग जाती है। जैसे ही वो आती है किसी ने उसको लिफ्ट दी, लिफ्ट दे के वो पता नहीं अपना बता के वो जैसे ही घर पहुंची, तो उसके फादर साहब ने जब, जैसे कि पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है, वो जैसे रोई, वो उसने अपने घर जाके बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे बांध के रखा गया, वॉशरूम नहीं जाने दिया प्रॉपर, मुझे रोज़ रात को मेरे साथ रेप किया गया।
देन उसके बाद उसके फादर साहब उसको लेके गए हैं मेडिकल हॉस्पिटल अपना जो पानीपत में, वहाँ जाकर जो पानीपत में मेडिकल हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स आई वो रेप की आई है। तो उसके बाद जब इन्होंने दरखास्त दी तो पुलिस वालों ने 376 ऐड कर दी उसमें, और 34 IPC के दौरान जो है उसके अंदर धाराएँ ऐड की गई। अब जो है जब इस लड़की ने उसको शिनाख्त कर ली उस लड़के की कि यही लड़का है, शायद हो सकता है कि आस पड़ोस का किसी ने शरारत की हो उसको ले जाने में, तो जब लड़की ने शिनाख्त कर ली तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं ये वो लड़का नहीं है। लड़की रो रो के अभी भी चिल्ला रही है, मेरे पास वो सारे रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें लड़की चिल्ला चिल्ला कह रही है मैंने शिनाख्त कर ली थी बट मेरी कार्रवाई नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि सारा पक्ष जब तैयार है तो कल्पना चावला के हॉस्पिटल को इनके स्टाफ को क्या हक है, किसने अधिकार दिया है इनको बंधक बनाने का? अंदर वो लेडी उसके पेरेंट्स को लेके गई, पापा को अंदर जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कुछ आवाज़ शायद हो सकता है सुन सकती है, उसमें वो कह रहे थे कि हम आपकी लड़की का इलाज नहीं करेंगे, आपके खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस को बुला रहे हैं। एंड गरीब आदमी कहाँ तक काम करेगा, गरीब आदमी डर जाता है, उसको कानून नहीं पता, उसको लॉ एंड ऑर्डर का नहीं पता। तो नेचुरली सी बात है कि ये हालात हमारे देश के हैं। जो कैंडल मार्च निकालते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो बैनर लगा के आप मीडिया को बुलाकर बड़े बड़े नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो आज कहाँ है वो संस्थाएं, आज कहाँ है वो लोग जो आज मोमबत्ती कैंडल मार्च, मरने के बाद आओगे, बस यही फाइनल है कि आप जब लड़की मर जाती है तो थोड़ी सी TRP के लिए आप लोग खड़े हो जाओगे कहीं कहीं चौक पे लेकर एक मोमबत्ती। लड़कियों के लिए भी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती है लेकिन काम करने पर कुछ नहीं होता। जब काम से बात हुई, रिकॉर्डिंग सुन लो आप, उसने बोला है जिस लड़की ने इसने शिनाख्त कर लिया उसको पीछे दो थोड़ी सी, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही होगी पूछताछ के लिए जो भी है। अब क्या ये क्या हमने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है ना कल SHO से मिलेंगे, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। तो हमने जब इनको बोला कि आप 5 मिनट के लिए गुड़िया को घूमने दे दो, हम कल्पना चावला में भी नहीं रहते क्योंकि चलो ठीक है आपका नाम है कल्पना, हम इसको बाहर ले जाके 5 मिनट बाइक ले लेंगे, सारी संस्थाएं आई में कोई डॉक्टर को बुला ना, तो डॉक्टर को बुलाया, दो दो मिनट कर रहे हैं कि डॉक्टर को बुला लो डॉक्टर को बुला लो, चलो डॉक्टर भी नहीं आया। उसके बाद हमने बोला कि आप अगर इतनी बदतमीजी से बात करेंगे तो कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा, आप लोग ये देखो कि हम समाज सेवा के लिए क्यों आगे आते हैं। वीडियो में हमको दिखाना चाहेंगे जिसमें बदतमीजी की हाँ, डॉक्टर तो बेसिकली उसमें इन्होंने क्या किया कि हमने बोला ठीक है हम इसका प्राइवेट इलाज लगा लेंगे चाहे उसमें 50 लाख रुपए लगे, वो हमारी हेडेक है, ऑन कैमरा जब हम कह रहे हैं तुम्हें कौन सी ऑब्जेक्शन है। इन्होंने क्या किया कि उसके फादर को अंदर खींचा और मुझे धक्का दिया और लड़की के पापा को, और उसको अंदर ले जाके उधर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं आपको दिखाऊंगी, इसने उसको अंदर बोला कि मतलब जो है लड़की जो है उसको हम इलाज नहीं करेंगे और तेरे खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, पूरा प्रेशर 10-12 ने घेर लिया अंदर उसके पापा को। आप CCTV कैमरा चेक करा लो आप, ठीक है ना, कैमरा में आपको उसका मिसबिहेव दिख जाएगा कैसे वो कर रहे थे। उनकी मम्मी ये बैठी है, ये देखो ये कह रही है मुझे कार्रवाई करानी है, मुझे इंसाफ चाहिए, इन्होंने मीडिया के आगे बयान भी दिया। और दूसरी बात, अगर हम इनसे लामा लिखवा लेते हैं इनको भी ऑब्जेक्शन, लामा लिखने के बाद तो इनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए। ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना क्या हाई प्रोफाइल मामला है, यही चीज कही है कि आप लामा लिख दो हम अपने पेशेंट को ले जाते हैं, हमने प्राइवेट में करवाना, नहीं वो भी नहीं करने दे रहे। उसका फादर तो मना कर रहा है कि हमारा इलाज सही चल रहा है, पता है क्या उसके फादर की उससे पहले की रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, उसके बयान है तो हम भी बाहर नहीं जाएंगे ना, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, उसकी लड़की की रिकॉर्डिंग आप सुनो जो रेप केस हुआ जो जिस तरीके से उसने बताया रो रही है वो, उसमें उसके पापा की रिकॉर्डिंग है, सारा ऑनलाइन जो है सारा रिकॉर्ड है, ऐसे विदाउट लॉ के बाहर हम नहीं अपना काम करते। और हम तो यहाँ खड़े हुए थे, हमें किसी ने बुलाया, हम तो एक वर्क में ना हमें ऑपरेशन कराना है, लाडवा से आए हुए हैं, वो भी पेशेंट था बेचारा, तो हमने उसकी मैं और ये भाई खड़े हुए थे, अचानक से वो बोले कि आपको हम देखते हैं कल्पना चावला में मदद करते हुए, आप हमारी मदद करो और ऐसे ऐसे रेप केस है मेरी लड़की का, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मैंने डायरेक्ट जो है IO से बात की, मैंने कहा ब्रदर क्या है, उन्होंने बोला मैडम शिनाख्त की है, हमने उसको बुलाया पूछता, मैंने कहा आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया जब 376 का पर्चा है, जब तक इन्हें एक्चुअली नहीं पता था कि मैडम संस्था से है तब तक अंदर भी जाने दिया, मैम ने बातचीत भी की, मैम के पास रिकॉर्डिंग भी है, बाद में उन्हीं के साथ इतनी ज्यादा धक्का मुक्की, इन्हें बाहर निकाला गया, गेट आउट यहाँ से निकल जाओ, फोन छीनने की कोशिश की है, यहाँ पे अपनी मर्जी से तो नहीं है ना। मैडम अभी अभी मैडम आप बाहर बोल के गई हैं कि आप अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती हैं, क्या अंदर जाके डॉक्टर्स को प्रेशर आ रहा है? डॉक्टर नहीं प्रेशर डाल रहे, मेरी गुड़िया का इलाज सही चल रहा है, पहले लाए थे तो बहुत अभी दिख रहा था, अब मेरा इलाज सही हो रहा है। इलाज ठीक है, इलाज सही चल रहा है, लेकिन उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते आप? फिलहाल पानीपत से हुआ है, पानीपत से होगा बहन, पानीपत का केस है क्या? पानीपत का केस है, पानीपत पुलिस हैंडल करेगी इसको। आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो सर आप कुछ और कह रहे थे, थोड़ी देर पहले आप आए थे मदद करो, आप खुद आए थे। मैं सरदार जी को मैंने ये बोला था, सर जो मदद करने वाली है वो मदद करो, सरदार जी बोले तो आज संघ पूरा साथ दे रहा हूँ, जो मीडिया होएगा वो मैं करूँगा, लेकिन
इलाज के वो किसी के बारे में वो नहीं हुआ था, मेरा इलाज सही हो रहा था यहाँ पे जी। अच्छा। इलाज मेरा पूछा नहीं था जी, इलाज मेरा सही चल रहा था जी। इलाज अब सही चल रहा है? अब क्या कहते यहाँ की पुलिस से क्या चाहते हो आप? यहाँ पुलिस ये चाहते मेरा इलाज सही होना चाहिए, इलाज बच्चा ठीक हो जाए, बाकी जो केस है। चलो ठीक है, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं प्रेशराइज कर दोनों को, दोनों माँ बाप को यहाँ पर इलाज का प्रेशराइज कर दिया गया है, उसको घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है। रेप केस है और इलाज की बातें कर रहे हैं। मैं चीख चीख के आपको बोल रही हूँ ये रेप केस है, आप कैसे बात कर रहे हो कि यहाँ पे इलाज का तो मैटर ही नहीं। स्टार्टिंग से अब तक की स्टेटमेंट में इलाज का मैटर नहीं है, हमने जब इनको बोला 5 मिनट के लिए, ये खुद आपके पास आए थे, मीडिया में रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आप मेरे पास आए हो, आपने मेरे को ये चीज कही है कि मेरे को हेल्प चाहिए, हेल्प किस तरीके। मैंने क्या पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा कि इलाज अच्छा चल रहा है? आपने कहा बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैंने कहा कि आप मीडिया के आगे आके बयान दे सकते हो? आपने ये बात कही है कि मैं मीडिया के आगे आरोपियों को पकड़वाना चाहता हूं, पकड़वाना चाहता हूं, आपने ये बात कही है? तो जी एक पकड़ लिया मैंने। हाँ नहीं, आपने पकड़ लिया, आपने ये चीज कही है कि आप, मैं मीडिया के आगे बयान दूंगा। पुलिस को दे रखा है। कितना टाइम हो गया इस मामले को जी? करीब 3-3.5-4 महीने हो जा रहे हैं। यहाँ पर कब आए थे आप? आज किस तरह को आए थे यहाँ पर? मेडिकल ब्रदर, इनके कहने के बाद मैंने तभी ऐसे जो आईओ थे उनसे फोन किया, फोन पे जो है बात की, आईओ ने कहा कि एक लड़के को इन्होंने शिनाख्त की है, वो लड़के को हमने छोड़ दिया अभी, लेकिन हम कोई बात नहीं, आप कल आओगे तो हम बुला लेंगे, इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर तरीके से। मदर ने भी ये शासन ने मुझे ऐसा कोई कुछ और अंदर कुछ और। बिल्कुल, अभी इनके मदर यही ऑन कैमरा यही चीज कह के गए हैं कि मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए, आप मेरी लड़की को इंसाफ दिलवाइए। मेडिकल की कोई बात नहीं हुई क्योंकि इनकी लड़की को टीबी है, ऑब्वियस है यहाँ पे टीबी का इलाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीबी का इलाज नहीं है, बट वही समझने की बात है, अगर हम इंसानियत के नाते इस परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं तो मैं सोचता हूँ इंसानियत मर चुकी है। अगर हम यहाँ पे रोज आके सेवा करते हैं और ये ऐसे बंदे हमारी बेइज्जतियां करवाते हैं यहाँ पे खड़े होके, तो मैं सोचता हूँ सर आपके लिए, आपके लिए मीडिया भी 2 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है, सामाजिक संस्थाएं 2 घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई है, मतलब गलती हमारी मीडिया की और सामाजिक संस्था की। आप डॉक्टर की आप अंदर जाकर आप मुकर गए, अपने बयान ही बदल दिया, आपने बयान नहीं बदल दे, आप मेरे साथ दे रहे हैं, साथ दो, लेकिन डॉक्टर की क्या आप कमी निकाल रहे हैं? आप नहीं, डॉक्टर की कमी नहीं निकाल रहे, जो डॉक्टर ने बदतमीजी किया वो तो बताइए आप हमें, आप ये चीज बताओ। उन्होंने आके बोला, हमने बोला कि वो लड़की को बुला लो बाहर, और लड़की, उन्होंने बोला डॉक्टर नहीं भेज रहे। मैंने कहा कोई नहीं, अगर डॉक्टर नहीं भेज रहे आप डिस्चार्ज करा लो, हम चाहे 50 लाख रुपए हो हम इलाज कराएंगे उसका। इन्होंने बोला ठीक है आप ले आओ अंदर से जाके, डॉक्टर मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, लेडीज डॉक्टर है। मैं फिर लेडीज, ये भी भाई अंदर नहीं आए क्योंकि आजकल लेडीज को आप इस एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है मैडम। डॉक्टर सनप्रीत ने हमारे साथ बदतमीजी किया, क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर सनप्रीत ने हमारे साथ बदतमीजी किया जो ऑन ड्यूटी थे, और इनकी मैं वही बात कहूंगा कि इंसानियत मर चुकी है। अगर हम ऐसे इनके साथ, बिल्कुल इनके साथ अगर हम हेल्प करने की सोच रहे थे हाथों की, कि ये मुकर रहे अभी आपके खिलाफ भी मुकदमा हो गया इस हिसाब से, तो आप झूठ बोल रहे हो, सबको गुमराह किया आपने यहाँ पे। दबाव में तो नहीं हो? सारा ही दबाव है भैया के द्वारा। पहले जब ये मेरे पास आए मेडिकल आपको आधा घंटा बंधक बना लिया गया, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ ये कौन सा हाई प्रोफाइल केस है कि इसको बार बार बंदे, ये देखिए कैसे वो लॉक कर रहे हैं, जैसे पता नहीं वो कितना हाई प्रोफाइल केस हो। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस अक्सर करनाल में देखने को मिलते हैं। मैम जिस प्रकार से अंदर कुंडी लगा ली गई है, अभी डर का माहौल है, कि डर का माहौल है ना, जो चोरी करते हैं अगर जब सच्चाई चलती है तो ऐसे लोग भागते हैं और भाग ही रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो अभी कम्प्लेंट भी दूंगी, बाइट भी लीजिए, मैं एक बार अभी कम्प्लेंट भी दूंगी मैडम को, जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी मर्जी की फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे। हम ये चाहते हैं उसको यहाँ से रेफर करते हैं और हम लोग उसको प्राइवेट ले जाएंगे, क्योंकि उसके फादर भी, हालांकि आप सर अभी आए हो या हमें, आप लोग भी जानते हो मैं सोशल वर्क करती हूँ, आप उसके लड़के को अंदर ले गए, उसके फादर साहब को, मैंने खुद इस चीज की बात सुनी है। वो मैडम उसको एक तरफ ले जाके, तू ये है तू वो, हम तुझे ये कर देंगे, खिलाफ कार्रवाई। एक बंदा परेशान है, उसकी लड़की का रेप हुआ है, आप उसको खुद टॉर्चर कर रहे हो, मतलब ये हरकतें हैं हॉस्पिटलों की, तुम ये शर्म ना कर। हमने पूछा है, उन्होंने कहा उसके फादर मना कर रहे हैं। नहीं, उसके फादर सर, रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है।